हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्नर्स वर्ल्ड प्रेजेंट्स कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर अब उस महान पोएट की पिक्चर देख रहे हो जिसने कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन पोएम लिखी है। इनका नाम सर हेनरी वॉटन है। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस पोएम को स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि पोएट ने हर स्टैंजा में क्या कहा है, और इस पोएम के एंड पे मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगा, और सबसे आखिर में मैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको समझाऊंगा कि पोएम का मेन आइडिया, थीम या फिर सेंट्रल आइडिया है क्या। तो हियर आई स्टार्ट। हाउ हैप्पी इज ही बोन और टोट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। Dear students, poet इस stanza में क्या कह रहा है? Poet कह रहा है कि वह कितना खुशकिस्मत है जो दूसरे की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, जो दूसरे की इच्छा का गुलाम नहीं है। whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। यहाँ पे कवच को उसने एज ए सिंबल यूज़ किया है। पोएट कहना ये चाह रहा है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वह उसकी ईमानदारी भरी सोच है, ऑनेस्ट थॉट, एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। और उसमें क्या गुण है कि वह झूठ नहीं बोलता, जो भीतर से है वही बाहर से है, मीनिंग वह सच्चा इंसान है। नेक्स्ट स्टैंजा, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, whose soul is still prepared for death, unties unto the world with care of public fame or private breath, whose passions means इच्छाएं, जिसको इच्छाएं डोमिनेट नहीं करती, उसके ऊपर रूल नहीं करती, उसकी मास्टर्स नहीं है, whose soul is still prepared for death, और जो उसकी आत्मा है वह डेथ के लिए प्रिपेयर्ड है, unties unto the world with care of public fame or private breath, वह वर्ल्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, वह संसार से जुड़ा हुआ नहीं है, वह फ्री है। अनटाइज मीन्स नॉट टाइड, बंधा हुआ नहीं है, फ्री है। किस चीज़ से फ्री है? वर्ल्ड विद केयर ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रेथ। पब्लिक फेम, मैं मशहूर हो जाऊँ, मैं बड़ा हो जाऊँ, मेरा नाम हो जाए, इससे वे परे है, वो केयर नहीं करता। और प्राइवेट ब्रेथ, प्राइवेट ब्रेथ मीन्स लोग क्या कहेंगे, ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरों के ओपिनियन से परे है, वे क्या सोचते हैं इसकी कोई, इसको कोई केयर नहीं है, पब्लिक फेम की कोई केयर नहीं है, डेथ के लिए प्रिपेयर्ड है उसकी सोल, एंड वो इच्छाओं का गुलाम नहीं है। कौन सी इच्छाएं? कार मिल जाए, मकान मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इन सारी इच्छाओं से, पैशन से वे परे है। ये इच्छाएं उसको रूल नहीं करती, ये इच्छाएं उसको डोमिनेट नहीं करती, वह इनका गुलाम नहीं है। Dear students, now look at the next stanza. Who envies none whom chance doth raise nor vice, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Poet यहाँ ये बात कह रहा है कि ऐसा इंसान किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वह ईर्ष्या नहीं करता किससे, जो ऊपर उठ जाए, जो राइज कर जाए, जो आगे बढ़ जाए जिंदगी में। किस तरह से? या तो किस्मत से, वर्ड आया है चांस, या तो चांस से बढ़ जाए आगे, या वाइस, बुरे कर्मों से किसी तरह बढ़ जाए आगे। लेकिन ये वाला जो हैप्पी मैन है ये ईर्ष्या नहीं करेगा। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वूंड्स आर गिवन विद प्रेज, इसको ये पता ही नहीं है कि मीठी मीठी बातों से कैसे जख्म दिए जाते हैं। अल्टीमेटली जो रॉन्ग प्रेज होगी वो काम निकलवाने के लिए की जाएगी, और बाद में जब इंसान रियलाइज़ करता है कि उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया तो उसको जख्म मिलते हैं। तो ये वाला जो हैप्पी मैन है ये कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, ये कभी रॉन्ग प्रेज नहीं करेगा। इसको पता ही नहीं है झूठी प्रेज करनी कैसे है, ये ईमानदार इंसान है, ये दिल का सच्चा है। नॉ रूल्स ऑफ स्टेट, रूल्स ऑफ स्टेट्स मीन्स पोलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति से, बट रूल्स ऑफ गुड, ये लोगों में हरमन प्यारा हो सकता है, ये लोगों में पॉपुलर हो सकता है, दिल की अच्छाइयों से। बींग ए गुड मैन ही कैन बी पॉपुलर अमंग मासेस, बट पोलिटिकल पावर यूज करके, लोगों को धमका के,
ऐसे नहीं करेगा। नाउ आई एम गोइंग टू रीड नेक्स्ट स्टैंजा। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद द रिलीजियस बुक ऑफ फ्रेंड। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान को दिन रात प्रार्थना करता है। दिन रात किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, गॉड की ग्रेस के लिए, गॉड की काइंडनेस के लिए। देन गिफ्ट्स टू लैंड, गिफ्ट्स नहीं मांग रहा, भौतिक चीजें नहीं मांग रहा, अपने पैशंस का गुलाम नहीं है, अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है। वो गॉड की काइंडनेस चाहता है, वह दयालुता चाहता है कि भगवान मेरे पे दयालु रहे। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और वह दिन बिताता है किसके साथ? विद अ रिलीजियस बुक, धार्मिक किताब पढ़ के, या अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट स्टैंजा। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल। सवाइल हियर मीन्स गुलामी। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सवाइल बॉन्ड्स, ये मैन, ये आदमी गुलामी के बंधनों से आजाद है। किस चीज के बंधन है? होप टू राइज, उम्मीद रखना कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, और फियर टू फॉल, या डर लगना कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं जिंदगी की दौड़ में पिछड़ ना जाऊं। इन चीजों से वह बंदा परे है, वह आजाद है, फ्री है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपना मालिक खुद है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले जमीनों का मालिक नहीं है लेकिन अपना मालिक है, वह अपने पे कंट्रोल रख सकता है, उसका अपने पे कंट्रोल है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी नहीं है, येट हैथ ऑल, और सब कुछ है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट सम ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द पोएम। आर्मर, द मेटल कवरिंग्स फॉर्मली वॉर्न टू प्रोटेक्ट द बॉडी इन बैटल। हिंदी में बोले तो इसको कवच बोलेंगे। एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा। पैशंस, डिजायर्स, इच्छाएं। अनटाइड, बंधा हुआ ना होना, फ्री होना। प्राइवेट ब्रेथ, ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरों के विचार। एनवीज, जेलस, ईर्ष्या रखना, ईर्ष्या करना। चांस, किस्मत से, लक। वाइस, इमोरल कंडक्ट, बुरे काम, बुरा बिहेवियर। रूल्स ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति। गुडनेस ऑफ हार्ट, दिल की अच्छाइयाँ। ग्रेस, मर्सी, काइंडनेस, दयालुता। सवाइल, सबमिसिव, स्लैविश, गुलामी। बॉन्ड, ऑब्लिगेशन, बंधन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। दिस पोएम शेयर्स द सीक्रेट ऑफ अ ट्रूली हैप्पी पर्सन्स लाइफ। सच अ पर्सन इज नोबडीज स्लेव। ही लिव्स एन ऑनेस्ट लाइफ विच एनवीज नन। He is honest, truthful, and God-fearing. He is content with whatever little he has. He is free from worldly sufferings and anxieties. He is not a slave of passions, but a master of his will. He follows the path of goodness and possesses all virtues of a happy life. So, dear students, this was all about the poem Character of a Happy Man. Thank you. Thanks for watching.